यार देखो, अभी भी मैं काफी सारे लोगों की कमेंट पढ़ता हूँ अपने वीडियोस पे कि भाई जब भी हम लोग मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करते हैं किसी भी गेम के, और उस गेम में हम लोग अपने टीममेट से बात करने के लिए गेम में माइक को जब भी ऑन करते हैं तो हमारे लाइव स्ट्रीम पे हमारी आवाज नहीं जाती है, और जब भी हम लोग गेम में अपने माइक को ऑफ कर लेते हैं तो हमारे लाइव स्ट्रीम पे हमारी आवाज जाती है। तो ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है बताओ हमको। तो देखो यार, ये वीडियो एंड होने से पहले आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो डेफिनेटली मिल जाएगा, मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दूंगा, बट किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने से पहले हमको वो प्रॉब्लम को समझना भी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल के साथ मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम को समझाऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करो, आप लोगों को मजा आएगा ये प्रॉब्लम समझने में कि ये प्रॉब्लम क्या है, और उसके बाद हम लोग इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो देखो, बात कुछ ऐसी है कि ये समझ लो आपका एंड्रॉइड फोन और ये समझ लो आपका घर। आपके एंड्रॉइड फोन में रहते हैं आपके सारे एप्स, एंड्रॉइड एप्स, और आपके घर में रहती है आपकी फैमिली, ठीक है। अब समझ लो जब भी आप लोग लाइव स्ट्रीम करते हो तो आप लोग अपना ईयरफोन कनेक्ट करते हो जिसके साथ कनेक्टेड होता है एक माइक। तो ये आपका माइक है समझ लो, जो कनेक्टेड है आपके फोन के साथ में। तो वैसे ही हम लोग अपने घर में एक टॉयलेट बनवाते हैं जिसके अंदर होता है एक कमोड जहाँ पे हम लोग पॉटी करते हैं, ठीक। अब समझ लो अगर एक ही टाइम पे अगर आपको भी पॉटी जाना है, इस कमोड को यूज करना है, और आपका घर में जो भी आपका भाई बहन है उसको भी सेम टाइम पे पॉटी लग गई और उसको भी यहाँ पे जाके कमोड यूज करना है, तो क्या दो लोग एक साथ में इस कमोड को यूज कर सकते हैं पॉटी करने के लिए? नहीं यूज कर सकते। तो वैसे एंड्रॉइड फोन में जब आप लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हो तो यहाँ पे जो हमारा लाइव स्ट्रीमिंग ऐप होता है ये हमारे माइक को यूज कर रहा होता है, ये जो हमारा ईयरफोन से कनेक्टेड माइक है ना इसको यूज कर रहा होता है। तो जब भी हम लोग अपने गेम में माइक को ऑन करते हैं तो हमारा गेम जो है वो यूज करता है इस माइक को, और जो हमारा स्ट्रीमिंग ऐप के साथ जो हमारे माइक का कनेक्शन है वो टूट जाता है, क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि कमोड को एक ही इंसान एक ही टाइम पे यूज कर सकता है, वैसे हमारे एंड्रॉइड में एक रूल है कि एंड्रॉइड से कनेक्टेड जो भी माइक है उस माइक को कोई एक ही ऐप एक टाइम पे यूज कर सकता है। तो जब आपके गेम में आप माइक को ऑन करते हो तो आपका गेम आपके ईयरफोन से कनेक्टेड माइक को यूज करता है, और आपका स्ट्रीमिंग ऐप आपके माइक को यूज नहीं कर पाता। और वैसे जब आप लोग अपने गेम में अपने माइक को ऑफ करते हो तो आपका स्ट्रीमिंग ऐप जो है वो आपके माइक को यूज कर पाता है, बट आपके गेम में आपका माइक यूज नहीं होता। तो देखो, ये सिंपल से एग्जांपल वाली कहानी के साथ आपको प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा कि मेन प्रॉब्लम क्या है। मेन प्रॉब्लम यही है कि एंड्रॉइड का ऐसा रूल है कि दो एप्स एक साथ में माइक को यूज नहीं कर सकते। तो या तो आपका लाइव स्ट्रीमिंग ऐप ही आपके माइक को यूज कर पाएगा, या तो आपका गेम ही आपके माइक को यूज कर पाएगा। तो दो ऐप एक साथ नहीं यूज कर सकते। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप लोगों को कोई ऐसा ऐप चाहिए जो आपको लाइव स्ट्रीम भी करवा दे, और उसी ऐप के अंदर, उसी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप के अंदर आपको टीममेट से बात करने का भी ऑप्शन मिल जाए। तो इससे क्या होगा कि एक ही ऐप आप लोग यूज करोगे और वो एक ही ऐप आपके माइक को यूज करेगा, और उसी ऐप के मदद से आपके लाइव स्ट्रीम पे भी आपकी आवाज जाएगी और आपके टीममेट्स तक भी आपकी आवाज जाएगी। तो आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। बट अब सवाल यह आता है कि क्या ऐसा एंड्रॉइड ऐप एग्जिस्ट करता है इस धरती पे जो आपको लाइव स्ट्रीम भी करवा दे और आपके टीममेट्स के साथ बात भी करवा दे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ ऐसा एंड्रॉइड ऐप एग्जिस्ट करता है, और जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी 4-5-6 वीडियो बना चुका हूं, पता नहीं कितनी वीडियोस बना चुका हूं, बट स्टिल कुछ लोगों को अभी तक नहीं पता है कि आप लोग टर्निप लाइव स्ट्रीमिंग ऐप को यूज करके आप लोग लाइव स्ट्रीम भी कर सकते हो और आप लोग अपने टीममेट से बात भी कर सकते हो। आवाज आ रही है? बहुत जोर से आ रही, जबरदस्त आ रही। खुद ऐप्स को ट्राई कर रहा हूं मैं लाइव स्ट्रीम करके प्रैक्टिकली। तू उससे कर रहा है, टर्निप से कर रहा है? हां, और क्या। अब आप लोग पूछोगे कैसे? तो भाई जब भी आप लोग टर्निप ऐप को ओपन करते हो ना लाइव स्ट्रीम करने के लिए, तो वहां पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो नीचे आपको स्ट्रीम नाउ का ऑप्शन मिल जाता है, और उसके साथ में यहाँ पे रन क्लब वाला ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो रन क्लब वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे आप लोग टच करके अपना खुद का क्लब बना सकते हो, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके। और जो भी आप लोग क्लब बनाओगे, अभी ये क्लब क्या है, तो भाई देखो आपको डिस्कॉर्ड के सर्वर के बारे में पता है? डिस्कॉर्ड के सर्वर में आप लोग अपने सारे डिस्कॉर्ड मेंबर के साथ में चैटिंग कर सकते हो, मतलब टेक्स्ट मैसेज वाला चैट कर सकते हो और वॉइस चैट कर सकते हो, जो भी करना है वो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड जैसा होता है। तो वैसे ही यहाँ पे टर्निप में आपको इनबिल्ट फीचर मिल जाता है क्लब वाला, जहाँ पे आप लोग अपना क्लब क्रिएट कर सकते हो। उस क्लब के अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है ऑडियो लॉबी का और चैट का, और भी काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे आपको टर्निप ऐप के अंदर, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। ये वाली वीडियो आप लोग जरूर देख लेना ये वीडियो के बाद में, तो आपको और भी टर्निप के फीचर्स, स्पेशल फीचर्स के बारे में पता चल जाएगा जो बाकी लाइव स्ट्रीमिंग ऐप में आपको नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पे आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको टर्निप में एक क्लब बना लेना है, यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके। एक क्लब आप लोगों ने बना लिया, और उस क्लब के अंदर आपको एक ऑडियो लॉबी मिल जाएगी, उस ऑडियो लॉबी में आपको ज्वाइन करके रहना है, ठीक है। अब इस ऑडियो लॉबी की जो लिंक है ये आप लोग उन सारे लोगों से शेयर कर सकते हो, यहाँ पे शेयर बटन पे टच करके। व्हाट्सएप करना है व्हाट्सएप कर दो, जो करना है वो कर दो, अपने दोस्तों के साथ, जो भी दोस्तों के साथ आप लोग खेलते हो उनके साथ शेयर कर दो, उनको भी टर्निप ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और वो लोग इस ऑडियो लॉबी में ज्वाइन कर सकते हैं, और आप लोग साथ में मिलकर यहाँ पे ऑडियो लॉबी में बात कर सकते हो लाइव स्ट्रीम करते करते। तो आपके टीममेट्स की भी आवाज आपके लाइव स्ट्रीम पे जाएगी और आपकी भी आवाज आपके लाइव स्ट्रीम पे जाएगी, क्योंकि हम लोग एक ही ऐप यूज कर रहे हैं अपने टीममेट से बात करने के लिए भी, और एक ही ऐप यूज कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम करने के लिए भी। अब यहाँ पे आप लोग मेरे से
एक सवाल और पूछ सकते हो कि भाई हम लोग अपने दोस्तों को तो WhatsApp पे लिंक शेयर कर देंगे, वो लोग तो हमारा क्लब ज्वाइन कर लेंगे और हमारी ऑडियो लॉबी भी ज्वाइन कर लेंगे हमारी लाइव स्ट्रीम के दौरान, और उनसे बात करते करते हम लाइव स्ट्रीम तो कर लेंगे। बट अगर हमको हमारे व्यूअर के साथ में खेलना रहा, तो अगर हमारा जो भी सब्सक्राइबर है जो हमारी लाइव स्ट्रीम देख रहा है हमको उनके साथ में खेलना है, तो क्या उनको भी हमको बार बार लिंक भेजना पड़ेगा कॉपी कर करके? वो लोग कैसे ज्वाइन करेंगे हमारे टर्निप के ऑडियो रूम को या फिर हमारे क्लब को? तो देखो, वो प्रॉब्लम का भी मेरे पास एक सिंपल सा सॉल्यूशन है। आप लोग मेरी ये नाइटबॉट वाली वीडियो देख लो, आप लोग नाइटबॉट को यूज कर सकते हो। वहां पे आप लोग ऐड कर सकते हो टाइमर कमांड को। टाइमर कमांड को ऐड करने के बाद क्या होता है, नाइटबॉट ऑटोमेटिकली आपके लाइव चैट में जितना भी टाइम आप लोग सेट करोगे कि हर दो मिनट में या हर पांच मिनट में, तो हर दो मिनट या पांच मिनट में वहां पे आपकी जो टर्निप क्लब की जो लिंक रहेगी वो आपके लाइव चैट में ऑटोमेटिकली बॉट कमेंट कर देगा, मैसेज कर देगा। तो वहां पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके जो भी व्यूअर रहेंगे वो आपके क्लब को ज्वाइन कर लेंगे और आपका ऑडियो लॉबी ज्वाइन कर सकते हैं, और आपके लाइव स्ट्रीम के दौरान में आपकी ऑडियो लॉबी ज्वाइन करके आपके साथ बात करते करते वो लोग भी आपके साथ खेल सकते हैं और लाइव स्ट्रीम का पूरा आनंद उठा सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल और आप लोगों के दिमाग में निकल के आ सकता है कि भाई अगर ऐसे ही रैंडमली कोई भी हमारे लाइव स्ट्रीम से हमारी क्लब को ज्वाइन कर लेगा, हमारी ऑडियो लॉबी को ज्वाइन कर लेगा, तो वो तो यार आके मस्ती करेगा और कुछ भी बड़बड़ करेगा और हमारी पूरी लाइव स्ट्रीम को डिस्टर्ब कर देगा, कुछ भी चिल्लाएगा हमारी लाइव स्ट्रीम में आके, तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो यार इसका भी सॉल्यूशन है टर्निप ऐप में। जब भी आप लोग ऑडियो लॉबी में ज्वाइन कर लोगे अपने टर्निप ऐप में, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखो ज्वाइन करके रखा है अपना ऑडियो लॉबी, यहाँ पे नीचे सेटिंग का जो आइकन है इसके ऊपर आप लोग टच करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको इनेबल ऑडियंस सेक्शन का, तो इसको आप लोगों को इनेबल करके रखना है। ये इनेबल करने से क्या होगा, जब भी आप लोगों के ऑडियो लॉबी को कोई भी बंदा ज्वाइन करेगा तो वो जब ज्वाइन करेगा तो उसका माइक बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं रहेगा आपके ऑडियो लॉबी में, मतलब उसकी आवाज नहीं आएगी आपको आपके लाइव स्ट्रीम पे, आपको भी उसकी आवाज नहीं आएगी। तो जब आप लोग यहाँ पे आके उसके माइक को इनेबल करोगे, उसके माइक को ऑन करोगे टर्निप में जाके, तभी उसकी आवाज आपकी लाइव स्ट्रीम पे जाएगी, तभी उसकी आवाज आपको आएगी। तो जब भी आप जब चाहो तब किसी की भी आवाज को चालू कर सकते हो, जब चाहो तब किसी की भी आवाज को बंद कर सकते हो अपनी लाइव स्ट्रीम के लिए और अपने ऑडियो लॉबी के लिए। तो आपके तीनों सवाल जो भी सवाल थे उनका सॉल्यूशन मैंने आपको अब तक दे दिया है। बाकी और भी डिटेल में अगर आप लोगों को टर्निप ऐप के बारे में जानना है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस टर्निप रिलेटेड वो जरूर देखो, उसमें मैंने टर्निप ऐप के बारे में और भी ज्यादा डिटेल में बताया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करते हो तो अपने फोन के साथ ईयरफोन अच्छा जरूर कनेक्ट करो, और अच्छा ईयरफोन के साथ उसके अंदर एक अच्छा माइक भी होना चाहिए, मतलब एक ऐसा ईयरफोन जिसका माइक भी अच्छा हो, तो ये जरूर आप लोग ध्यान रखो, क्योंकि अगर आपका ईयरफोन अच्छा नहीं है उसका माइक अच्छा नहीं है तो आपके लाइव स्ट्रीम पे आपकी आवाज और आपके टीममेट्स की आवाज अच्छी नहीं जाएगी। ऐसे ही मोबाइल लाइव स्ट्रीमिंग रिलेटेड और भी वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हो तो इस चैनल को चेक करो, आपको बहुत हेल्पफुल वीडियोस मिल जाएगी इस चैनल पे, उनको देखो। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो यार इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बस इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।